बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। बीएड का टॉपिक है कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर आर फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन ए पर्सन्स माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इज स्कीमा। स्कीमा का की पॉइंट याद रखना है, जहाँ पे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो या फ्रेमवर्क हो उसमें क्या आता है, स्कीमा आता है। द एबिलिटी टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट एक्शंस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक फंक्शन, ऑप्शन सी। सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है या किसी सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है। Arranging object in sequence according to one except is। Arranging कहते हैं सीरिएशन में, ऑप्शन इसका ए है, किसी चीज़ की तरतीब वगैरह को कहते हैं। Focus on only one characteristic is। Focusing कहते हैं सेंट्रेशन को, सेंट्रेशन में किसी चीज़ को फोकस किया जाता है। द एबिलिटी टू लॉजिकली कम्बाइन रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड सर्टन कंक्लूजन इज कॉल्ड ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी का की पॉइंट याद रखना है, रिलेशन हो या कम्बाइंड हो वहाँ पर ट्रांसिटिविटी आता है। फेस एट विच ए चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क इफ गिव्स अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट इज। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास है, ऑप्शन बी है, जोन ऑफ प्रोमिसल डेवलपमेंट। ए सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन इज, इसका ऑप्शन ए है, जनरेटिविटी। द कम्प्लेक्स आंसर टू क्वेश्चन हु आई एम इज, ये है, आइडेंटिटी में आता है। एगोरनेस टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव जो है वर्क आता है, इसका राइट ऑप्शन है इंडस्ट्री, ऑप्शन ए। विलिंगनेस टू बिगेन न्यू एक्टिविटीज एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन इज कॉल्ड इनिशिएटिविटी, ऑप्शन डी इसका सही है। सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट, इसका राइट जो ऑप्शन है यह था इंटीग्रेटिव में, ऑप्शन सी में आएगा। ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व चेंजिंग दैट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग इज, इसका राइट ऑप्शन है स्कॉफ्टिंग, ऑप्शन डी। द वैल्यूज दैट वन The values that one place on one characteristic abilities or behavior is, ये आता है सेल्फ स्टीम में आता है, ऑप्शन ए में आएगा। लर्निंग इन विच ए न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएट विद ए मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड रिक्वायर्स द कैपेसिटी टू एलिसाइट ए सिमिलर रिस्पॉन्स इज, इसका राइट ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग इन विच द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर द बिहेवियर्स विल अकर्स इन, इसका राइट ऑप्शन बी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मेमोरी दैट होल्ड इन द इंफॉर्मेशन फॉर द वर्ल्ड इट्स ओरिजिनल फ्रॉम वन Only an instant is, इसका आता है sensory motor stage में आता है। Memory in which the information is retained as long as 30 seconds is, ये आता है short term memory में, 30 seconds के बाद ये किस में आएगा, short term memory में आएगा। Memory that holds a lot of information in ए रिलेटिवली परमानेंट फंक्शन इज, परमानेंट जो इसका होता है
फैशन इज ये आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। ए जनरल अप्रोच दैट व्यूज लर्निंग एज एन एक्शन मेंटल प्रोसेस ऑफ केयरिंग रिमेम्बरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। इसका जो राइट ऑप्शन है ये आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यहाँ पे मेंटल लिखा हुआ है, मेंटल हो या माइंड हो उसका ताल्लुक कॉग्निटिव के साथ होता है। ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच नेवर कम्स टू एन एंड इज। इसका राइट ऑप्शन है लर्निंग का में आता है। पनिशमेंट इज एग्जांपल ऑफ, पनिशमेंट जो एग्जांपल आती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन डी में आता है। अप्रोच टू मोटिवेशन दैट इम्फेसाइज पर्सनल फ्रीडम चॉइस सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रीविंग फॉर पर्सनल ग्रोथ इज। ये आता है हमनिस्टिक में। हमनिस्टिक में फ्रीडम होती है, चॉइस होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारी हमनिस्टिक अप्रोच में आती है। मोटिवेशन एसोसिएट विद द एक्टिविटीज दैट देयर देयर ओन रिवार्ड। जहाँ पे ओन रिवार्ड होगा वो उसका ताल्लुक इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ होता है। एरिया ऑफ क्लासरूम विच द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन टेक प्लेस इज। ये आता है एक्शन जोन में आता है।